इस न्यूज के स्पॉन्सर है 99 डेकोर। आज दीपावली को देखते हुए श्री राम सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उदय प्रताप सिंह, जिला अध्यक्ष निशांत सिंह, श्री राम सेना के महिला जिला अध्यक्ष ममता सिंह सहित श्री राम सेना के दर्जनों सदस्यों ने आज लालमणि वृद्धा सेवा आश्रम पहुंचकर वहां रह रहे बुजुर्ग लोगों से मुलाकात की एवं उनका हाल चाल जाना। वहीं श्री राम सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उदय प्रताप सिंह ने लालमणि वृद्धा सेवा आश्रम में रह रहे बुजुर्ग लोगों को दीपावली मनाने को लेकर मिठाई, फल और दिया और बाती दिए, ताकि ये लोग भी आश्रम में दीपावली धूमधाम से मनाएं। हम लोग द्वारा ये कार्य हो रहा है। हिम्मत सोचिएगा क्या जी, अरे रिपोर्टर के दाखिल आइए, आप लोग जाइए, मिठाई कितनी कम है, चलिए आप उधर रात चलो वहीं बैठवा दीजिए, जो हम सभी के बीच उनको वहीं बैठा दीजिए। श्री राम सेना के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं। जिला अध्यक्ष सामने देखिएगा, ये लो सब बांट देंगे, बाकी सब बांटाएगा, ये लो बांट देंगे, पूजा हो गया, सब हो गया। देर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आज जाइए, अच्छा मिल जाएगा और रखा हुआ है। वहीं श्री राम सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उदय प्रताप सिंह ने आज का सच न्यूज से बात करते हुए कहा कि आज हम लोग लालमणि वृद्धा सेवा आश्रम आए हैं और यहां रह रहे बुजुर्ग लोगों को दीपावली मनाने को लेकर फल, मिठाई, दीप दिए हैं, ताकि ये लोग भी धूमधाम से दीपावली मनाएं। इन लोगों को ऐसा ना लगे कि इनके बच्चों ने इन्हें ठुकरा दिया है, तो इन लोगों को देखने वाला कोई नहीं। इन लोगों के लिए श्री राम सेना के सभी सदस्य हमेशा तैयार हैं कि इन लोगों को कभी कोई तकलीफ ना हो और इन लोगों को कभी भी अपने घर की एवं अपने बच्चों की कमी महसूस ना हो। श्री राम सेना का एक एक सदस्य इन लोगों को अपना माता पिता समझता है और इन लोगों के लिए हमेशा तत्पर रहता है। कोई भी पर्व त्यौहार में इन लोगों को कभी भी किसी चीज़ की कमी श्री राम सेना के सदस्य नहीं होने देंगे। वहीं उन्होंने धनबाद सहित पूरे देशवासियों को दीपावली की बधाई दी। श्री राम सेना का धनबाद जिला का महिला अध्यक्ष ममता जी और धनबाद जिला युवा पार्टी अध्यक्ष निशांत सिंह के नेतृत्व में हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ और आज बहुत खुशी लग रही है कि हम लोग लालमुनि वृद्धा आश्रम में आकर और एक ऐसा लग रहा है कि आपको बता नहीं सक रहे हैं, भावुक हो गए हैं। ये लग रहा है, ऐसा क्षण आया है आज कि दुनिया यही है, असली चीज यही है, सामने यही है और लोग नहीं समझ पाते हैं, अपने घमंड में चूर रहते हैं, माँ बाप को नहीं पूछते हैं और परिवार को छोड़ देते हैं। ऐसे लोगों से आज दिल टूट गया, आंख से आंसू आ गई, क्योंकि जब माँ बाप को कोई छोड़ देता है, अपने लोगों को कोई छोड़ देता है, ऐसे लोगों का विनाश निश्चित होगा, इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है। ये भगवान बैठ कर देखते हैं, अगर हम हैं तो मेरे साथ भी यही होगा, अगर आप कर रहे हैं तो आपके साथ भी यही होगा। मैं तमाम भारतवर्ष के लोगों से और झारखंड के लोगों से आग्रह करूंगा, हाथ जोड़कर आग्रह करूंगा कि भाई आप अपने माँ बाप को, परिवार को, किसी को अनाथालय नहीं भेजिए, किसी को कोई दिक्कत मत दीजिए, वचन अपने अच्छे रखिए, क्योंकि वचन ही एक ऐसा चीज होता है। उस वचन से अगर आज हम इनको क्या दिए, अपना प्यार दिए, अपना कीमती समय दिए, आज हमारे निशान जी आए हैं चल के, समाज सेवी पंकज जी हैं, अभिषेक जी हैं, ममता जी हैं, मधुमती जी हैं, सारे लोग, वो महिला हैं हमारे यहाँ जुड़ी हुई हैं, ये सारे लोग आए हैं और तमाम कार्यकर्ता आए हैं। क्यों आए हैं? इनके बीच का एक एहसास लेने आए हैं कि इनकी जीवन और हमारी जीवन की शैली में क्या अंतर है। हमारा शैली है कि सुख सुविधा हम ले रहे हैं तो सारे लोगों को भूल जा रहे हैं,
और इनकी शैली क्या है कि हमारे और आपके बीच में पड़े हैं कि कोई आए हमको देखे, हमसे बात करे, हमसे विचार करे। आज वो पुणे से आदमी आया हुआ यूथ, आज वो आदमी का समय है घूमने फिरने ऐश मौज करने का, और ये आपके आश्रम में आकर, लाल मुनि आश्रम में आकर ये सेवा कर रहा। मैं इस आदमी को सैल्यूट करता हूँ और भगवान से विनती करता हूँ कि ऐसा पुत्र सभी को दे जो गौरव हो और गौरव सम्मान समझे अपने आप को कि हमारा ऐसा पुत्र है। मैं अपने टीम को आज तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, ममता सिंह को, निशान सिंह को, मधुमती जी को और पंकज जी को, कि आप ऐसा टीम अगर है हमारे साथ तो मैं कहीं भी चला जाऊंगा। मैं आज फिर इस आपके माध्यम से मैं सभी से आग्रह करूंगा कि आप अपने बच्चे को पर इतना दिक्कत से पूछती है माँ, पिताजी वो सोचती है कि बाप मेरा बच्चा बड़ा होगा तो हमको सारा सुख सुविधा देगा। हमारा भी एक पुत्र है, हमारा भी एक पुत्री है। अब तो ये सब देख के डर लगता है कि कल मेरे साथ क्या होगा। तो मैं समझता हूँ, सारे लोगों से ये आग्रह करता हूँ, हाथ जोड़कर आग्रह करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि कम से कम आप अपने बच्चे को शिक्षा और सम्मान सिखाना, बुद्धि दीजिए, संस्कार दीजिए, ताकि अगला से कैसे बात करे, विचार करे और अपने बाबा को सेवा करे। नलायक पुत्र होना कहीं किंतु परंतु वो नहीं है। नलायक नहीं हो, बांझ हो जाए, बिना बाल बच्चा का रहे वो मंजूर है, मगर ऐसे पुत्र को मंजूर नहीं है जो पुत्र अपने माँ बाप को आश्रम, प्लेटफार्म, स्टेशन और यहाँ वहां छोड़ के भाग जाता है और अपने माँ बाप को बताने में ये दिक्कत होता है कि ये प्रतिष्ठा, ये मेरी माँ है, ये मेरा पिताजी है, बताने में उसका इज्जत जाता है। ऐसे लोग हमें नहीं चाहिए, हमें एक ही चाहिए, एक ही संतान चाहिए, चाहे नहीं चाहिए मगर जो हमारा संतान हो वो कम से कम समझे कि बुढ़ापा में माँ बाप को क्या करना है। आपके चैनल से फिर एक बार सभी को दीपावली की हार्दिक बधाई, छोटी दीपावली की, छठ की हार्दिक बधाई तथा समस्त देशवासियों को, झारखंड के तमाम लोगों को, धनबाद जिला के कोलांचल वासियों को, तमाम लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना देता हूँ। श्री राम सेना के जिला अध्यक्ष निशान सिंह ने भी हमारे संवाददाता से बात करते हुए कहा कि आज हम लोग आश्रम आए हैं और यहाँ रह रहे बुजुर्ग लोगों से मुलाकात किए, इन लोगों को दीपावली मनाने को लेकर दिया बाती, फल और मिठाई दिए हैं ताकि ये लोग भी धूमधाम से दीपावली मनाएं। आज फिर श्री राम सेना के माध्यम से हमें इतना पवित्र जगह आने का मौका मिला। बड़े भाई उदय भैया के साथ हम लोग यहाँ पर उन्हीं के इंस्ट्रक्शन पर पहले भी हम लोग आकर यहाँ सेवा देते रहे और दिवाली के अवसर पर हम लोग को यहाँ आकर यहाँ बहुत सुकून मिल रहा है। और समाज के सभी प्रबुद्ध लोग, जितने भी लोग हैं, उनसे मैं आग्रह करूँगा कि ऐसे पर्व त्यौहार के माहौल में जो लोग यहाँ पर अपने परिवार से वंचित हैं उन लोगों के बीच आकर अपना कीमती समय में से कुछ भी 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटे आकर यहाँ पर दे और उनके बीच में अपना सारा खुशियाँ बांटे और इन लोगों को कभी उस समय में ऐसा ना महसूस हो कि ये कभी भी मतलब अकेले हैं या अपने परिवार के बीच में नहीं है। बस बाकी सब फिर से दिवाली की सबको शुभकामनाएं। वहीं हमारे संवाददाता ने श्री राम सेना के महिला जिला अध्यक्ष ममता सिंह से बातें की तो उन्होंने कहा कि आज मुझे लालमणि वृद्धा सेवा आश्रम आकर बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ रहने वाले सभी बुजुर्ग माता पिता बहुत ही अच्छे हैं और इन लोगों से मिलकर मुझे काफ़ी खुशी हुई है और हम सभी श्री राम सेना के लोग इन लोगों के लिए दीपावली मनाने को लेकर इन लोगों को मिठाई, फल और दिया बाती दिए हैं ताकि ये लोग भी अपने गम को भुलाकर खुशी खुशी दीपावली मनाएं और इन लोगों को ऐसा लगे कि ये लोग अपने परिवार के साथ दीपावली मना रहे हैं। आज दीपावली का दिन है और वो सभी की खुशी की बात है। ये हम लोग के लिए बहुत अच्छा अवसर मिला जो हमारे उपाध्यक्ष उदय भैया ये चीज़ को हम लोगों के बीच में रखे बात को कि नहीं आज का दिन सभी के लिए खुशी है और किसी के साथ ऐसा भी होता है जो बिना बच्चे के अपना घर को त्याग कर आश्रम में रहते हैं, क्यों ना उन लोगों के साथ अपना सुख दुख को बांटे, जो हमें उनका इस विचार को बहुत ही अच्छा लगा और उस विचार को देखते हुए ही यहाँ पे आज हम वृद्धा आश्रम में पहली बार आए हैं।
वो भी उदय भैया के कहने पे, जो देखने के बाद यही एहसास हुआ कि हर घर में बेटी होती है, माएँ होती है, और किसी भी बेटी और माँ को ये शोभा नहीं देता है कि माँ बाप को अलग कर दें और अपने सुख में रहें लेकिन माँ बाप की समस्या को नहीं समझे। जो भी माँ है, हर माँ सोचती है कि आज बाल बच्चे को बड़े कर रहे हैं तो बहुत कष्ट करके बड़ा करती है, क्योंकि हम भी एक माँ हैं और इस दर्द को समझते हैं। और कल को मेरा ही बेटा इस तरह से करे कि घर से बाहर कर दे, अपना पहचान छुपा दे, ये नहीं बताए कि वो हमारी माँ है, वो हमारे पिता हैं, तो इससे दुख ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता है। और ये आने के बाद ऐसा सचमुच में अंतर आत्मा कह रहा है कि हम भी इस चीज़ को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और किसी से भी आग्रह करते हैं, माता बहन किसी से भी, कि ऐसा समस्या किसी के घर में नहीं है। हर किसी को अपना एक विचार अच्छा रखना चाहिए कि माँ बाप कभी भी बाहर घर से नहीं निकाले, दूसरे के माँ बाप को भी अपना माँ बाप समझ के सेवा करें, लेकिन किसी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करें। और यहाँ आने पर उन लोगों के साथ सुख दुख बांटे जो देखने के बाद लगा कि नहीं, ये हमारे देश के लिए, जो हमारा देश कहला रहा है, कहलाता है कि सभी का, हम लोग दूसरे जगह के आए हुए व्यक्ति का आदर सत्कार करते हैं, और ये चीज हो रहा है कि आज माँ और पापा सबको बाहर कर दिया गया है कि नहीं, हमारे लिए घर की समस्या बनी हुई है, ये बहुत कष्टदायक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसे मतलब ये दीपावली का दिन है, आज छोटी दीपावली है, लेकिन ये चीज देख के बहुत दुख हुआ। ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहेंगे, हम यहीं पे अपनी बात को समाप्त करते हैं। ये दीपावली के लिए जय श्री राम। 99 डेकोर इस दीपावली आपके लिए लेकर आ रहा है घर सजाने के आकर्षक सामानों की पूरी रेंज। किफायती दामों पर आप खरीद सकते हैं कैंडल स्टैंड और लैंप, वाटर फाउंटेन, पेंटिंग्स, वॉल आर्ट के मनपसंद डिजाइन, कुर्सी, डाइनिंग टेबल, फ्लावर पॉट, बेडशीट और अन्य आकर्षक वस्तुएं। तो देर किस बात की, आप तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है 99 डेकोर, रामाजी कॉम्प्लेक्स, मेमको मोड़, धनबाद। आप हमें इन नंबरों पर संपर्क भी कर सकते हैं 6201305185 और 9036123।